हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ गया। टूर्नामेंट की टॉप चार टीम जो कि प्ले ऑफ खेलेगी वो भी फिक्स हो चुके हैं। CPL का 25वां मुकाबला, जिसमें एसटी किड्स पैट्रियट्स का मुकाबला ट्रिवांगो नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच 23 सितंबर को ट्रिनिडैड के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच सुबह 4:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 83% रहेगा, तो वहीं टेम्परेचर 27°C रहेगा। अब बात करते हैं पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे ब्रायन लारा स्टेडियम का पिच बैटिंग के लिए अच्छी, पिच थोड़ी ड्राई है जिसके चलते आउटफील्ड भी तेज हो गया। यहाँ पे स्पिन बॉलर को इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए यहाँ पे स्पिन को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। पिच से रिवर्स स्विंग काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके चलते डेथ ओवर में रन बनाना मुश्किल हो रहा है। अब अगर बात करते हैं विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 46% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 51% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं स्कोर देखते हैं, फर्स्ट इनिंग का स्कोर 141 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का स्कोर 129 है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं दोनों टीमों का एटीट्यूड भी देख लेते हैं, जहाँ पर ट्रिवांगो 7 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पर एसटी किड्स 3 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम एसटी किड्स पैट्रियट्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। एसटी किड्स टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, टीम ने सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनाया, टीम लगातार 8 मैच हार गई है। इस सीजन में 9 मैच में सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल की, टीम टेबल नंबर 6 पे है, जहाँ पर एंड्रे फ्लेचर टीम के कप्तान है। टीम के ओपनर एंड्रे फ्लेचर, एवन लुइस की जोड़ी लगातार रन बना रही है। लेविस ने 246 रन बनाए, टीम के हाईएस्ट स्कोरर भी है। नंबर 3 पर जो कि कायल मैच ने 208 रन बनाए। टॉप 3 के अलावा बाकी सभी बैटर फ्लॉप दिख रहे हैं, जहाँ पे जोशुआ द सिल्वा को लास्ट मैच में चांस मिला था। मिडिल ऑर्डर में मिकी लुइस रिली दोस्तों टीम को स्टेबल करते हैं, वनिधि हसरंगा जो कि लास्ट गेम से बाहर थे। वहीं बॉलिंग में बात करें जो कि एनरिक नॉजी और डोमिनिक ड्रेक स्पेल के स्टार्ट करेंगे। नॉजनी ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 11 विकेट लिए। स्पिन बॉलिंग में तवे शमसी ने 2 विकेट लिए थे, जहाँ पर रियान जोना, कायल मैच टीम के पार्ट टाइम बॉलिंग है। अब बात करते हैं एसटी किड्स का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि एविन लेविस है, एंड्रे फ्लेचर है, काइल मेस है, मिकली लुइस है, राइलो रोसो, रियान जॉन है, जोशुआ दे सिल्वा है, ऑडियन स्मिथ है, एनरिच नॉर्जी है, तबियत शमसी है, डोमिनिक ड्रेक्स है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि काइल मेस, एविन लेविस और एंड्रे फ्लेचर है। अब अगर बात करते दूसरी टीम, यानी ट्रिवांगो नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने अभी अब तक 6 मैच खेले, जिसमें से 4 मैच जीत के आ जाए, 2 मैच हार के आ जाए। टीम टेबल नंबर 4 पे किरण पोला जो टीम के कप्तान बने हुए हैं। तो ओपनिंग में बात करेंगे जो कि सुनील नायन एंड सैक्री पैरिस नायन अब तक फ्लॉप दिख रहे हैं। नंबर 3 पर जो कि निकोलस पुरन ने सबसे ज़्यादा 182 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में आपको टीम डेविड किसी काटी खेल रहे हैं, किसी काटी ने 162 रन बनाए। लो ऑर्डर में किरण पोलार्ड एंड एंड्री गॉस खेल रहे हैं, एंड्री रसल इस सीजन में फ्लॉप दिखे। वहीं बॉलिंग में बात किया जाए जो कि जोशुआ लिटिल और क्रिस जॉर्डन की पेस अटैक टीम को पावर प्ले में विकेट दिला सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में आपको सुनील नायन हो गए और वकर सलाम खेल, जो अब तक दोनों 11 विकेट ले चुके हैं। अकील हुसैन ने लास्ट गेम में 1 विकेट लिया था। अब बात करते हैं किवांगो का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि सुनील नायन है, निकोलस पुरन है, सैक्री पैरिस है, किसी काटी, किरण प्लॉड है, टीम डेविड है, एंड्रे रसल है, वकर सलाम खेल है, अकील हुसैन है, जोशुआ लिटिल है, क्रिस जॉर्डन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि सुनील नायन है, प्लॉड है और निकोल पूरा ने। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। टिवांगो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जबकि एसटी किड्स लगातार 8 मैच हार चुकी है। यहाँ पर टक्कर वन साइडेड ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड स्टैंड को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच हुए टिवांगो राइट राइडर्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।